पुर्तगाल के अंदर इस टाइम जो करंट सिचुएशन है जॉब्स की, वो क्या है? फूड डिलीवरी की जॉब में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और वो आप फूड डिलीवरी की जॉब किस तरह विदाउट TRC हासिल कर सकते हैं? और मेरी खुद की भी फूड डिलीवरी कंपनी जो वो स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज चीमा और आप देख रहे हैं शहबाज चीमा व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जी फूड डिलीवरी की जॉब से रिलेटेड है, और जो करंट सिचुएशन है पुर्तगाल में जॉब्स की वो क्या है उससे रिलेटेड है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, स्क्रीन पर नेम भी आ रहा है। पुर्तगाल में फाइल लॉक से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, कोई भी आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है मेरी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। अगर वहाँ पर आपको नहीं जवाब आ रहा तो आप मुझे सेकेंड ऑप्शन में, आप मुझे ट्विटर अकाउंट के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं पॉसिबल होता आपको जवाब दूंगा। सेकेंड चैनल है भाई का फैमिली चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। पुर्तगाल में जो भी डेली रूटीन के मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं सारे वहाँ पे अपडेट करता हूँ। पुर्तगाल में लाइफ कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, चिल मस्ती मौज सब कुछ वहाँ पे चलता है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी है, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जो है ना वीडियो पूरी कंप्लीट लास्ट तक देखनी है। जो लोग जो पुर्तगाल में है इस टाइम, जो पुर्तगाल में रह रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है और वो पुर्तगाल में फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बताया था कि मेरे अंडर प्रोसेस है, वो टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। सिस्टम जो रहते हैं यहाँ पे उनको पता है सिस्टम बहुत स्लो है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने ले लिए उन्होंने मुझे अप्रूवल देने में। तो अप्रूवल मिल चुकी है जी बोल्ट फूड के अंदर, अभी मुझे अप्रूवल मिली है। उबर ईट्स का भी पेंडिंग है। जो लोग फूड डिलीवरी काम करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर या कमेंट में बताएं कि आप काम करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जो आईडी है फूड, जो ये बोल्ट फूड है, इसके अंदर आपकी आईडी आपके नाम पे ओपन हो जाएगी और आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। मुश्किल टाइम देख लोगे, मुश्किल के बाद आसानियाँ भी आती हैं, तो स्टार्टिंग में मुश्किल टाइम देखना पड़ता है, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। बात यहाँ पर करते हैं जी, आप काम स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं। जी आईडी में आपकी जो है ना आपकी मैं ओपन कर दूंगा, उसके लिए आपको पुर्तगाल का जो लोकल यहाँ का जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो आपने जाना है, वो आप क्रिमिनल ऑफिस में जाएंगे, 5 और उसकी फीस है, वो लेके आ जाएं। बाकी दूसरे फाइनेंस नंबर, अपना पासपोर्ट वगैरह मुझे वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें जो आपके लीगल हैं, तो फिर मैं आपकी आईडी आपको बना दूंगा। उसके बाद जी आपने सेकंड स्टेप जी हम किसके ऊपर काम करेंगे, आप साइकिल, अब आप नए हैं आप साइकिल के ऊपर काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और साइकिल के लिए तो आपको पता है ज़रूरत है ही नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं, अब अर्निंग के पे आता है जी। अर्निंग में जो लड़के जॉब्स कर रहे हैं मार्केट के अंदर फ्लीट बेस्ड कंपनीज़ के ऊपर, साइकिलों पे या स्कूटर्स के ऊपर, हम आपको इंटरव्यू करके बता देंगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा। मेरी बात पे आपको बिलीव नहीं है या करना है तो कर लें, मर्जी है, तो हम इंटरव्यू करके बता देंगे आपको। बेसिकली उनको एक्सपीरियंस है ना, तो वो आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिले उसमें। तो मेरे ख्याल नॉर्मली जो मुझे पता है, जो लोगों से मैंने बात की है, वो नॉर्मली 25 से 30 यूरो आप साइकिल पे बना लेते हो साइकिल पे, और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर पे काम करते हो तो वो 30 से 40 यूरो के अराउंड आपकी दिहाड़ी, यानी एक दिन में आप कमाते हो, नॉट बैड। अगर स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो आप 25-30 यूरो भी कमा रहे हो, तो आप पूरा महीना ही काम करते हो तो 700-800 यूरो बन जाता है, तो सही है। किसी के अंडर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये है वो है, पैसे नहीं खाने को, तो कुछ ना होने से बेहतर है, कुछ तो आप कर रहे हो ना। तो अगर मेरे एडवाइस यही है कि अगर आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हो तो आर्टिकल 89 करो, दिल खोल के काम करो और ईजी लाइफ जियो यहाँ पे। और जो लोग आर्टिकल 88 में ऑलरेडी अपना अपने आप को क्या वर्ड कहते हैं, चलो खैर छोड़ो, एंटर कर चुके हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फूड डिलीवरी काम वो भी कर सकते हैं। तो ये था जी फूड डिलीवरी का, मेरा फूड डिलीवरी कंपनी ओपन हो चुकी है, बोल्ट फूड डिलीवरी फ्लीट बेस्ड कंपनी है, आईडी ओपन कर दूंगा। काम करना हुआ तो भाई से कॉन्टैक्ट कर लीजिए लाजमी। बाकी जी दूसरे जो जॉब्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं, वो भी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। आपको पता है जब टूरिस्ट आते हैं तो रेस्टोरेंट चलना शुरू, बर्तन धोने की वैकेंसीज होती हैं, किचन में काम करने की वैकेंसीज होती हैं, सफाई की काम करना रेस्टोरेंट्स की वो वैकेंसीज होती हैं, तो वो भी जो है वो स्टार्ट है सारा काम। तो आप वो जॉब किस तरह ले सकते हैं, ये भी आपको भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, घर ना बैठे फ्री में निकले बाहर रेस्टोरेंट पर, डोर टू डोर जाए रेस्टोरेंट। मेरे काफ़ी जाने जो 1 महीना पहले लोग आए थे,
उनको जॉब्स मिल चुकी हैं, अभी वो गए हैं रेस्टोरेंट्स पे, डोर टू डोर गए हैं और उन जाकर उन्होंने बात की है, 1 महीने के अंदर अंदर सबको जॉब्स मिल गई हैं। ठीक है, तो आपको भी खुद एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो भाई फिर चुप करके ना सीधा चले जाओ खेतों के अंदर काम को, वहाँ पर धक्के खाओ। खैर धक्के नहीं होते, मेहनत मजदूरी करनी है, हमने भी की है। हाँ अलहमदुल्ला मैं इस चीज़ से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने भी काम किया है। और मैंने ये जो धक्के होते हैं ना यूरोप के, आप लो लेवल से स्टार्ट करते हो, तो ये आपको लाइफ में जीना सिखा देते हैं। ये मोस्टली यूरोप में जीना सिखा देते हैं, यूरोप में आपने सरवाइव कैसे करना है नेक्स्ट लाइफ में। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, खेतों में चले जाएं, नहीं तो फिर आप अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, डोर टू डोर जाएं, लोगों से बात करें और कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, इतने भी बुरे हालात नहीं पुर्तगाल के। हाँ 1-2 महीना आता है उसमें बिजनेसेस भी डाउन हो जाते हैं, सर्दियों में विंटर में जो है ना वो बिजनेस हर पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस सिस्टम है, जब विंटर्स आते हैं तो बिजनेस थोड़े डाउन हो जाते हैं, तो समर्स में ऊपर जा रहे होते हैं। तो वही सीन है कि अभी समर चल रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी जो लोग यूरोप की दूसरी कंट्री में बैठे हुए मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुर्तगाल मूव करें, अपने डॉक्यूमेंट्स लें। आज मेरे एक दोस्त का दोस्त है दविंदर, आप जानते होंगे मेरे वीडियोज़ में भी आता है, उसका आगे फ्रेंड है, 12 साल के बाद पुर्तगाल में आज उसको कार्ड रिसीव हुआ है। तो उसकी जो खुशी थी ना, वो बस नेक्स्ट वीक जो है ना वो अब जा रहा है, इंडिया जा रहा है। तो सीन ये है कि जो यूरोप के दूसरी कंट्री में 10-10 15-15 साल से बैठे हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें भाई, पुर्तगाल में आएँ, यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, कार लें और वापस जाके अपने प्यारों से मिलें, फैमिली से इतने दूर बैठे हुए हैं। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है भाई, वो छोड़ दो पैसा, 1-1 साल 2 साल नहीं कमाओगे कोई बात नहीं है। तो यहाँ अगर जो नए लोग आ रहे हैं वो भी भाई सीधा पुर्तगाल ही आएँ, 1-1.5-2 साल धक्के खा लें और बाद में जब कार्ड मिल जाएगा फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, फिर आपकी लाइफ सेटल्ड है। तो बाकी मर्जी आपकी भैया, आपने जो करना है करना है। बाकी जी बी केयरफुल रहे, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इजी हो रही हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ खैर ये एक मज़े की बात है कि ये सोशल सिक्योरिटी की जो अपडेट्स आई हैं इसमें जो झूठे एजेंट हैं, खैर लोग मुझे भी एजेंट ही कहते हैं तो कोई मसला नहीं है, कहते रहे, किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता, कंसल्टेंट एजेंट ही होता है। ठीक है, लेकिन आपके काम की जो वर्थ होती है, आप जो काम अच्छा कर रहे हैं, ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जी ये जो हमने कंपनी स्टार्ट की है इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी, जो फूड डिलीवरी काम, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, फूड डिलीवरी का काम करें, लेडीज़ भी काम करती हैं, लेडीज़ भी काम कर रही हैं, एक इंडियन लड़की है, मैंने उनकी आईडी ओपन कर दी है, वो आप काम स्टार्ट करिए नेक्स्ट वीक से। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और काम स्टार्ट करें और अच्छी अर्निंग करें। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ दिमाग होना चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। साइकिल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुर्तगाल की जो डेली रूटीन है, मेरी डेली लाइफ है, मैं उस पर डेली व्लॉग अपडेट कर रहा हूँ, तो वो भी वहाँ भी सपोर्ट करें, कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, और फिर मैं भी पॉजिटिव फील करके वीडियोस लाता हूँ। आजकल थोड़ा लेट आ रहा वीडियोस आ रही हैं, उसकी रीज़न ये कि रमज़ान चल रहा है, रोज़े की हालत में अपने काम भी मैनेज करना, साथ में ये सोशल मीडिया को भी डील करना, तो ये बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। दुआ करें और सपोर्ट करें, आपका भाई हिट हो जाए, मिलियंस में जाए, तो फिर हम एक मैनेजर रख लेंगे जो आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देगा। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखें, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, भाई के लिए भी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।